आज नई बुलंदियों पर पहुंचेंगे भारत जापान के रिश्ते। कर्नाटक के रण में राहुल फूकेंगे बिगुल, जल्द पंजाब पुलिस की गिरफ्त में होगा अमृतपाल। किसानों की महापंचायत क्यों सता रहा पहले जैसी साजिश का डर, कहां नाकाम हुई खालिस्तानी साजिश, शान से लहराया तिरंगा। देश की बड़ी खबरों के लिए आप देखिए भारत वर्ष टॉप नाइन। जापान के प्रधानमंत्री किशिदा फुमियो और भारत के पीएम नरेंद्र मोदी की आज मुलाकात होगी। दोनों नेता दिल्ली के हैदराबाद हाउस में मिलेंगे। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद भारत जापान के संबंधों को नई ऊंचाइयां मिलेंगी। जापान के पीएम 3 दिवसीय भारत दौरे पर हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज कर्नाटक के चुनावी मैदान में उतरेंगे। इस दौरान वो बेलागामी में आयोजित होने वाले युवा क्रांति समावेश कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने कार्यक्रम स्थल पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। पंजाब पुलिस ने वारिसे पंजाब दे संगठन के मुखिया अमृतपाल सिंह को भगोड़ा करार देते हुए कहा कि अमृतपाल अब भी भगोड़ा है, लेकिन पुलिस जल्द ही उसे अपनी गिरफ्त में ले लेगी। पुलिस ने लोगों से किसी भी अफवाह पर भरोसा न करने की अपील की है। अमृतपाल को लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई। याचिका में अमृतपाल को फेस करने की मांग की गई है। कोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया है। कल इस मामले में सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने फिलहाल वारंट अफसर नियुक्त करने से इनकार कर दिया है। दिल्ली के रामलीला मैदान में आज हजारों किसान जुटेंगे। किसानों ने सरकार पर वादा खिलाफी करने का आरोप लगाया है। किसान एमएसपी गारंटी कानून के साथ कई मांगों पर अड़े हैं। इस महापंचायत में देश भर के 250 से ज्यादा किसान संगठन को शामिल होने का दावा किया जा रहा है। किसानों की महापंचायत से पहले दिल्ली पुलिस अलर्ट पर है। पुलिस को इनपुट मिली है कि किसान रैली की आड़ में खालिस्तान समर्थक फायदा उठा सकते हैं। ऐसे में दिल्ली में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों को चेक किया जाएगा। साथ ही दिल्ली में ट्रैक्टर ट्रॉली की एंट्री बैन रहेगी। लंदन स्थित भारतीय कमीशन के बिल्डिंग पर चढ़कर तिरंगे का अपमान करने के मामले में विदेश मंत्रालय एक्शन में आ गया है। विदेश मंत्रालय ने ब्रिटिश हाई कमीशन के सबसे सीनियर राजनयिक को तलब किया है। घटना के बाद भारतीय कमीशन के बिल्डिंग के बाहर और बड़ा झंडा लगा दिया गया। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को फिर से धमकी मिली है। सलमान को धमकी भरा मेल भेजा गया। सलमान के मैनेजर ने मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में इस मामले में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी वराड के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। सलमान के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। खेड़ा की तरफ से वकील अभिषेक मनु सिंघवी के पेश न होने के कारण पिछली सुनवाई टल गई थी। फिलहाल पवन खेड़ा की अंतरिम राहत बरकरार है। खेड़ा ने पीएम मोदी पर विवादित टिप्पणी की थी।